हमें HCF फाइंड करना है 96 एंड 404 का HCF फाइंड करना है। तो यहां पर नंबर ले रहे हैं, एक नंबर है 96 और एक नंबर है आपके 404। हमें HCF फाइंड करना है तो हमें पहले प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों के हमें प्राइम फैक्टर लेने हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर अलग से 96 के प्राइम फैक्टर लेते हैं, टू का डिवाइड करेंगे हाफ हो जाएगा 48, फिर टू का डिवाइड करेंगे हाफ हो जाएगा 24, फिर टू का डिवाइड करेंगे हाफ हो जाएगा 12, फिर टू का डिवाइड करेंगे हाफ हो जाएगा 6, फिर टू का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे हमें 404 का करना, टू का डिवाइड करेंगे 202, फिर टू का डिवाइड करेंगे 101। अब 101 एक प्राइम नंबर है, इसमें 101 का ही डिवाइड जाएगा, ये जाएगा आपके 1 टाइम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, हमें इसके प्राइम फैक्टर ही ले रहे हैं। हमें यहाँ पर जो नंबर है ना, वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे नंबर ही काम में लेने हैं। जो प्राइम नंबर है ना, उन्हीं का डिवाइड करना है और किसी का डिवाइड नहीं करना है। हमने इन्हीं का डिवाइड किया, आगे और भी प्राइम नंबर है, इसके आगे चलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 है आपके 5 टाइम। इसका मतलब होता है 2 रेज टू द पावर 5 इंटू, यहाँ पर दे रखा है 3 जो है वो 1 टाइम है। एक नंबर को एक बार लिखना है, ये 2 है और 3 है, 2 लिख दिया और 3 लिख दिया। 2 कितनी बार है, 5 टाइम है। 3 कितनी बार है, 1 टाइम है। ऐसे ही 2 कितनी बार है, 2 टाइम है। 101 कितनी बार है आपके, 1 टाइम। यस, मतलब हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ये प्राइम फैक्टर निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लेने वाले हैं HCF लेने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर लेना है HCF। HCF कैसे फाइंड करते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन आता हो, ऐसा नंबर जो इधर भी हो और इधर भी हो। जैसे 2 एंड 3 है, इधर 2 एंड 101 है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 2। अब हमें लेना है कम पावर लेना है। कम पावर मतलब यहां पर पावर 5 है, यहां पर पावर 2 है, जो मिनिमम पावर है, जो मिनिमम है, जो कम है उसको लेना है। तो मिनिमम ये है 2, 2 और 5, हमें यहां पर 2 लेना है। 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, जिसका मतलब होता है 4। और ये आने वाला है इस क्वेश्चन का HCF आने वाला है। ये क्या हो जाएगा इसका HCF। हमें इस क्वेश्चन के अंदर LCM फाइंड करना है, ये नंबर का और ये नंबर का। हमें इन दोनों का LCM फाइंड करना है। हमारे पास जो नंबर है वो ये है 616 एंड 32। हमें इसके टुकड़े करने हैं, क्या करेंगे, पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो हमें यहां पर लेना है 616, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 का हाफ करेंगे, 3 टाइम जाएगा, 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा। फिर 6 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके जाने वाला है 8 टाइम। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 5 टाइम और यहाँ जाएगा आपके 4 टाइम। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 7, 7। फिर 7 का डिवाइड करेंगे 11, 11 का डिवाइड करेंगे 1। अब हमें लेना है 32, 32 में 2 का डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 8, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 1। हमें ऐसे इसके प्राइम फैक्टर निकालने, निकालने के बाद हमें क्या करना है, इनको यहाँ लिखना है। ये काम जो है ना वो रफ में करना है आपको, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको रफ में लिखना है। अब 616 का मतलब होता है 2 आया है आपके 3 टाइम, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, 2 आया है आपके 3 टाइम, इंटू 7 इंटू 11। अब लेते हैं LCM। LCM में ये नंबर आए हैं, इसमें केवल 2 है, ओनली 2, हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 लेना है। और ये 2 जो है 1, 2, 3, 4, 5 टाइम है, हमें लिखना है 2 रेज टू द पावर 5। अब हमें यहाँ पर लेने वाले हैं LCM लेने वाले,
एलसीएम क्या होता है ये भी आपको अच्छे से आना है। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर हमने यूज किया है उसको हमें लेना है। हमने किस किसका डिवाइड किया था, हमने 2 का डिवाइड किया, 7 का किया और 11 का किया, चाहे इधर किया चाहे इधर किया, हमें सारे नंबर लेने हैं लेकिन एक एक बार लेना है। हमने यहाँ पर और यहाँ पर 2 का डिवाइड किया, हमने यहाँ पर और यहाँ पर 7 का डिवाइड किया और हमने 11 से डिवाइड किया, हमने इन दोनों के अंदर किस किसका डिवाइड किया वो लेना। अब यहाँ पर नंबर लेने हैं एक एक बार लेने हैं और सारे नंबर लेने हैं। अब क्या करना है, जो जिसकी पावर ज़्यादा है उसको लेना है। जैसे यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पावर 5 है, अगर ये एससीएम होता तो कम पावर को लेने, यस ये आपके एलसीएम है तो ज़्यादा पावर को लेना है, बाकी वाला सेम है। ये 2 की पावर 5 होता है आपके, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब ये होता है, ये आएगा 32। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आता है आपके 77। अब हमें रफली मल्टीप्लाई करना है, 32 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भैया आपके, 32 ऊपर लिख देते हैं, 14, 1, 23 + 1 होता है 22, ऐसा करेंगे 4, 6, 4, 2, तो ये आने वाला है आपके 2, 4, 6, 4, ये आने वाला है एलसीएम, ये होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपके देर का है, ए और 26 इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 13 है, इन दोनों का जो एलसीएम है वो 182 है, तो बताना है कि यहाँ पर ए की जगह क्या आएगा। दो नंबर्स है जिसमें एक नंबर गायब है, दो नंबरों का एचसीएफ 13 है, इन्हीं दोनों नंबरों का जो एलसीएम है वो 182 है, तो बताना है कि ए का वैल्यू क्या है। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजिकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो इजी हो जाएगा। अब जो हमारे पास दो नंबर है वो ये है, हमारे पास एक नंबर ए है और सेकेंड नंबर है हमारा 26, एचसीएफ जो है वो है 13 और एलसीएम जो है वो दे रखा आपके 182। अब ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में और ए का वैल्यू आने वाला है 13 × 182/26। अब जो कटे वो आपको काटना, यहाँ पर काटते हैं, देखो 13 की टेबल से ये कटता है आपके 2 टाइम, कितनी बार जाएगा ये आपके 2 टाइम जाएगा। अब हमें अगर ए का वैल्यू फाइंड करना है तो सिंपल है, ये तो कट गया, ऊपर यहाँ पर है 182 और यहाँ डिवाइड में बचा हुआ है आपके 2, 2 का डिवाइड करेंगे तो पहले 2 का डिवाइड करेंगे 18 में तो जाएगा 9 टाइम, 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो जाएगा 1 टाइम, और ये आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन देर का है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं डिफरेंट, हमें इनका एचसीएफ भी फाइंड करना है और हमें इनका एलसीएम भी फाइंड करना है। तो देखो 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, 6 में डिवाइड जाता है 2 का, फिर डिवाइड जाएगा आपके 3 का, यहाँ तक जाता है, तो 6 का मतलब होता है 2 × 3। अब लेते हैं हम यहाँ पर 72, 72 में क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे 36, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 1। तो 72 का मतलब होता है कि 2 आया है आपके 3 टाइम एंड 3 आया है आपके 2 टाइम, ये रहा 2, 1, 2, 3 टाइम और 3 आपके 2 टाइम। अब है भाई आपके 120, 2 का डिवाइड करेंगे 60, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 1। तो 2 raised to the power 3 × 3 × 5, ऐसे हम टुकड़े कर देंगे नंबरों। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है एचसीएफ और एलसीएम। पहला काम है एचसीएफ, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल है, ऐसा नंबर जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो,
जैसे 2 × 3 यहां पर भी है, 2 × 3 यहां पर भी है, और 2 × 3 यहां पर भी है। 2 और 3 एक ऐसा नंबर है जो सब जगह है, 2 3 सब जगह है। अब यहां पर देखो, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन नंबर, ऐसा नंबर जो तीनों में आए, और मिनिमम पावर लेना है, कम पावर लेना है, पावर ज्यादा नहीं लेनी है, जिसमें मिनिमम हो उसमें लेना है। 1 3 3, 1 2 3, यहां पर 1 कम है, हमें 1 1 पावर का लेना है, तो ये आ जाएगा आपके 6 हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम यहां पर एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लेना है, कॉमन नंबर और मिनिमम पावर। अब है आपके एलसीएम। एलसीएम में ऑल नंबर एंड मैक्सिमम पावर। ऑल नंबर 2 3 5, 2 3 5 सबके अंदर आते हैं, सब में 2 है, सब में 3 है, और 5 भी किसी ने किसी के अंदर तो है ही है। यहां पर ऑल नंबर जो यहां पर हमने डिवाइड किया था, इधर हमने यूज लिए वो सारे नंबर, और मैक्सिमम पावर लेना है। 2 आपके मैक्सिमम पावर है, 3 3 का है 2, ऐसे। इसका मतलब होता है 8, इसका मतलब होता है 9, इसका मतलब होता है 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 72 × 5 कर देंगे, तो ये होता है आपके 360। ये आने वाला है इसका आंसर। ये क्वेश्चन देर का है, सम ऑफ पावर या एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट कह दो या सम ऑफ पावर कह दो, ऑफ प्राइम फैक्टर। ऑफ मतलब इस नंबर का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना। फिर तो उसके जो पावर है, उसकी जो डिग्री है, डिग्री भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, उनका सम कितना है हमें बताना। तो हमें, हमारे पास जो नंबर है वो ये है 392। अब हमें क्या करना है, इसके से टुकड़े करने हैं। 392 इसमें डिवाइड जाता है 2 का, 1 टाइम 9 टाइम 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा आपके 9 टाइम 8 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 49 टाइम, फिर 7 का करेंगे तो 7 टाइम, फिर 7 का करेंगे तो 1 टाइम। तो हमें क्या करना है, इस नंबर के लेने हैं प्राइम फैक्टर, ये है इसके प्राइम फैक्टर। इसमें 2 भी आता है और इसमें आपके 7 भी आता है। 2 कितनी बार आएगा, 2 आपके 3 टाइम आएगा, 7 कितनी बार आएगा, 2 टाइम आएगा। इसको बोलते हैं पावर या इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये 3 और 2 क्या है, आपके एक्सपोनेंट है। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, यहां लिखा हुआ है सम ऑफ पावर, हमें फाइंड करना है सम ऑफ पावर। अब ये रहा पावर और ये रहा पावर, ये जो पावर दे रखी है इन दोनों को हमें सम करना है। सम करने पे कितना आ रहा है आपके, 5 आ रहा है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ फॉलोइंग इरेशनल नंबर, मतलब इन चार में से कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है हमें बताना है, कौन सा इरेशनल है ये हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इरेशनल नंबर कहते किसे हैं, एक तो हो गया पाई, एक हो गया जिसका रूट हम निकालेंगे तो रूट पॉइंट में आता है, और एक हो गया ऐसा नंबर इस टाइप का। तीनों का एक ही मतलब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये नंबर जो है ना आपका, वो नंबर है रेशनल। रेशनल उसे कहते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या इस नंबर के अलावा। जैसे यहां पर देखेंगे ये 4 है, फिर यहां पर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। 21 के बाद 22 आ रहा है, 23 आ रहा है, 24 आ रहा है, तो ये नंबर कहलाएगा आपके इरेशनल। अब ये नंबर रिपीट हो रहा है, 7 5 6 7 5 6 7 5 6, ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल है। और जिसका रूट निकल जाता है, जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट में नहीं आता है, वो नंबर भी क्या होता है आपके, रेशनल होता है। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, और ये क्या आ जाएगा आपके, इरेशनल। आप इसकी जगह पाई का भी यूज कर सकते हो,
पाई आएगा तो पाई को भी लिख सकते हो, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, और या फिर ऐसा जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, वो नंबर भी आपके इरेशनल कहलाते हैं। इरेशनल की पहचान करना आपको आना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपके राइट होगा। ये क्वेश्चन दे रखा आपके, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 1260 एज एक्सपोनेंट। हमें क्या करना है, इस नंबर के प्राइम फैक्टर लिखने हैं। हमारे पास जो नंबर है वो ये है, हमें क्या करना है, राइट द प्राइम फैक्टर, हमें इसके प्राइम फैक्टर लेने हैं। अब प्राइम फैक्टर लेने हैं तो रफली ऐसे आपको टुकड़े करने पड़ेंगे इस नंबर के। इसमें 2 का डिवाइड जाता है 630, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आता है 315, फिर हम 3 का डिवाइड करेंगे तो ये जाने वाला है 1 टाइम, इसमें जाएगा नहीं, फिर ये लेना पड़ेगा तो 0 लगाना पड़ेगा, दो नंबर साथ में लेंगे ना, इसीलिए 3 का डिवाइड जाएगा 5 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा आपके 2 टाइम, 3 टाइम जाएगा, फिर जाएगा 5 टाइम, फिर 5 का देंगे तो 7 टाइम, फिर 7 का करेंगे तो 1 टाइम। इसमें आपके जो 2 आया है वो कितनी बार आया है? 2 टाइम है। 3 जो है वो कितनी बार है आपके? 2 टाइम है। 5 है आपके 1 टाइम, और 7 भी है आपके 1 टाइम। मतलब हमें क्या करना है, इस नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। ये सब प्राइम फैक्टर है, मतलब हमें इसको ऐसे प्राइम फैक्टर में ऐसे इसको विस्तार करना है, ऐसे बताना है, ऐसे सॉल्व करके आपको ऐसे लिखना है। ये हो जाएगा आपके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना, जिसमें एक्सपोनेंट आना चाहिए। एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर आना चाहिए। ये रहा पावर, ये रहा पावर, ये 1 पावर, ये भी 1 पावर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें ये डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आता है। पहले आप एक्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 7। एक्स का वैल्यू आपके आने वाला है 21। ये होगा आपके इस एक्स का वैल्यू। अब हमें वाई का वैल्यू लेना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको वाई का वैल्यू निकालना है तो आपको 4 के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक्स का वैल्यू सबको पता ही है, वाई का वाई, 4 का 4, एक्स का वैल्यू ये रहा, एक्स का वैल्यू हमारे पास है 21। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आने वाला है 84, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1080। एचसीएफ आपके गिवन है और हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला बिल्कुल तो सिंपल है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। अब वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ऑलरेडी दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब पहला नंबर और सेकंड नंबर दोनों को आपस में पहले से ही मल्टीप्लाई कर दिया, जो यहां लिखा हुआ है आपके 1080। HCF जो है वो 6 है और हमें LCM क्या करना है, फाइंड करना है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा आपके डिवाइड के अंदर, तो LCM आ जाएगा आपके 1080/6। अब यहां पर आप 6 का डिवाइड करो, इधर जाने वाला है पहले 1 टाइम, 4 बच जाएगा, फिर जाएगा आपके 8 टाइम और फिर आपके 0, और ये होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन देर का है, हमें बताना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर तो आपके मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पर आपके प्लस है। देखो, अगर कोई भी दो नंबर है, अगर आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो तो कंपोजिट नंबर आ भी सकता है और कंपोजिट नंबर नहीं भी आ सकता, कोई जरूरी नहीं है। देखो, ये दोनों प्राइम नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे
तो कंपोजिट आ रहा है, ये दोनों प्राइम नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो प्राइम नंबर आ रहा है, मतलब ये भी आपके प्राइम नंबर, ये भी आपके प्राइम नंबर, तो यहां पर कंपोजिट भी आ सकता है और प्राइम भी आ सकता है। प्लस से हम किसी को भी नहीं कह सकते कि ये नंबर कंपोजिट होगा, मल्टीप्लाई में जरूर कह सकते हैं। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनको हमें यहां पर अलग अलग मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, ये नंबर अलग होना चाहिए, ये नंबर अलग होना चाहिए, जिसमें एक नहीं आना चाहिए। देखो अगर सेवन है तो सेवन इंटू वन आता है, ये नंबर क्या कहलाएगा, आपके प्राइम नंबर। जिसके अंदर वन नहीं हो और दो अलग अलग नंबरों को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, उसको हमेशा कंपोजिट कहेंगे। यहां पर वन नहीं है तो ऑलवेज कंपोजिट नंबर ही आएगा। आप कोई भी दो नंबर ले लो जिनको मल्टीप्लाई करने पर कोई भी नंबर आएगा तो वो नंबर हमेशा कंपोजिट होगा, अगर यहां पर वन नहीं है तो। अगर आप इस क्वेश्चन को दो नंबरों के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया तो कंपोजिट होगा, ये रफली काम है, ये मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको बताया हुआ है। अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हो जिसके अंदर यहां पर वन नहीं होना चाहिए और उसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा कंपोजिट नंबर ही आता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम भी यहां पर ऐसे ही करने वाले हैं, यहां पर बीच में प्लस है, प्लस नहीं आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए। हम यहां पर क्या करने वाले हैं, सिंपल सा ध्यान रखना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जो इधर भी है और इधर भी है, तो वो है आपके 13, 13 13 कैंसिल, तो ये बचेगा आपके 7 इंटू 11, 13 का डिवाइड 13 में जाएगा आपके वन टाइम, ये हो गया भी आपके 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके 77 और ये 1, ये हो गया भी आपके 13। इन दोनों को ऐड करने पर आता है 78। अगर आप कोई भी दो नंबर ऐसे लेते हो जिसमें वन नहीं है, मतलब सिंपल वन, ओनली वन, दोनों अलग अलग नंबर है और उनको अगर आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हो, इसका मतलब है सो दिस इज कंपोजिट नंबर, सो दिस इज कंपोजिट नंबर, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए दो नंबर है और दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या है, प्राइम नंबर है, चाहे वो P एंड Q भी हो सकता है या और कोई भी नंबर हो सकता है, अगर एग्जाम में आ जाए टू डिस्टिंक्ट नंबर है, उनका अगर आप HCF फाइंड करोगे, क्या फाइंड करना है आपको, HCF, या फिर टू को प्राइम नंबर है, टू को प्राइम नंबर या फिर केवल प्राइम नंबर या डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, जब भी ऐसा लिखा हुआ है और उसका आपको HCF पूछ ले तो उसका HCF हमेशा कितना होता है, वन होता है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए HCF ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, आपको लिखना है वन, HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर, HCF इजिकल टू वन, जिनका HCF वन होता है उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, जिसका HCF वन होता है उसको हमेशा को प्राइम नंबर कहते हैं। और कोई भी दो प्राइम नंबर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट, उनका अगर आप HCF फाइंड करोगे तो हमेशा कितना आएगा, वन आएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए इन दोनों में से कुछ भी, कि दो नंबर है और दोनों नंबर क्या है, आपके इक्वल नंबर है, अगर कोई दो नंबर है और वो इक्वल है तो उनका HCF और LCM भी क्या आने वाला है, इक्वल होगा। अगर HCF और LCM इक्वल लिखा हुआ आ जाए तो नंबर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जैसे अगर मैं यहां पर कोई नंबर लेता हूं 15 15, दो नंबर ले लिया, इनका अगर आप HCF फाइंड करोगे तो भी वही नंबर आने वाला है जो LCM में आने वाला है, मतलब अगर नंबर सेम है तो HCF LCM सेम आने वाला है या इक्वल आने वाला है। अगर LCM और HCF सेम है तो नंबर भी क्या होने वाले, सेम होने वाले, इसका ध्यान रखना है। टू नंबर आर इक्वल, HCM एंड LCM ऑल्सो इक्वल, या ऐसा उल्टा भी आ जाए HCF और LCM आपके इक्वल लिखा हुआ आ जाए तो उसकी जगह आपके जो नंबर है वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है।
एग्जाम में आ जाए तो आपको वहां पर इक्वल लिखना है। हमें ये प्रूव करना है कि रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये क्या करना है हमें प्रूव करना है। अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा रेशनल। लेट रूट टू इज रेशनल, पहले हम क्या करेंगे, इसको हम रेशनल मानने वाले। अगर ये नंबर रेशनल है, इस नंबर को हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर b नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो पहले इरेशनल की जगह हमें इसको क्या मानना है, रेशनल मानना है। और रेशनल मतलब हो गया a बटा b की फॉर्म में आपको लिखना। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है, इसको हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा रूट टू बी इजिकल टू ए। अब हमें यहां पर बोथ साइड स्क्वायर करना है, बोथ साइड स्क्वायर करो, स्क्वायर हमें इधर भी स्क्वायर करना है और हमें इधर भी स्क्वायर करना है। और हमें यहां पर स्क्वायर करने पर क्या होगा, देखो इधर रूट हट जाएगा और ये आएगा टू बी स्क्वायर और ये आने वाला है आपके ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि टू का डिवाइड इसमें जाता है। आप इस क्वेश्चन को रट भी सकते हो क्योंकि जैसा यहाँ पर टू लिखा हुआ है अगर थ्री आ जाए ना तो सेम बस थ्री लिखना है, सेम क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसका मतलब इस पर डिवाइड इसमें जाता है। इसमें हमें यहाँ पर लिखना है ए स्क्वायर डिविजिबल बाई टू, इसका मतलब हो गया a also divisible by 2, क्योंकि नियम है कि किसी के स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाता है तो बिना स्क्वायर में भी 2 का डिवाइड जाएगा, क्योंकि एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.2, पहले 1.3 था अब ये 1.2 बन गया है क्योंकि 1.3 अब मतलब ये एक थ्योरम इसमें काट दिया गया है, वरना 1.3 भी लिख सकते हो। थ्योरम है, थ्योरम के हिसाब से नियम है किसी के स्क्वायर में टू का डिवाइड जाता है तो बिना स्क्वायर में भी टू का डिवाइड जाएगा। अब अगर मैं ए में भी टू का डिवाइड जाएगा, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, कितनी बार जाएगा, ए और बी आ चुका है, हमें यहाँ पर लिखना है सी पॉइंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का वैल्यू आता है आपके टू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर में टू का डिवाइड जाता है, इसका मतलब ए में भी टू का डिवाइड जाएगा, जाएगा तो कुछ ना कुछ आएगा, क्या आएगा कि सी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। अब ये जो वैल्यू है हमें क्या करना है, इक्वेशन में रखना है, कहाँ रखना है, इस इक्वेशन में हमें यहां पर लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में आपको पुट करना है, पुट करो यहां लिखेंगे तो टू बी स्क्वायर का टू बी स्क्वायर, ए का मतलब होता है आपके ये लिखा हुआ, ए का मतलब होता है टू सी और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी यहां पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया आपका टू बी स्क्वायर और ये आएगा टू सी इंटू टू सी, जो कटे वो काट दो। देखो ये टू से ये टू गया, अब क्या बच गया भाई आपके, इधर बचा हुआ है बी स्क्वायर, इधर बचा हुआ है टू सी स्क्वायर। अब यही चीज ये जो है ना जो यहाँ आई थी सेम यहाँ आई, देखो टू इधर से इधर डिवाइड में जाएगा, कहाँ गया था ए स्क्वायर में, अब ये टू इधर से इधर जाएगा बी स्क्वायर में जाएगा, हमें यहाँ पर लिखना है बी स्क्वायर डिविजेबल बाई टू, इसका मतलब है बी Also divisible by 2, क्या होता है वही थ्योरम नंबर 1.2, इसको हम ऐसे 1.2 थ्योरम की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ लाइनें लिखनी है। देखो a में भी 2 का डिवाइड जा रहा है, b में भी 2 का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब है कि a और b क्या हो गया आपके कॉमन नंबर, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको हम कॉमन हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर हमें कुछ लाइन लिखनी पड़ेगी, a में भी 2 का डिवाइड जा रहा है, b में भी 2 का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब है कि a और b का कॉमन फैक्टर हो गया।
अब हमें यहां पर कुछ लाइन लिखनी पड़ेगी, हमें क्या लिखना पड़ेगा, देयर फोर, कुछ लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी, देयर फोर ए एंड बी जो है ना, एटलीस्ट टू एज ए कॉमन फैक्टर, टू एज ए कॉमन फैक्टर, क्योंकि ए में भी टू का डिवाइड जा रहा है, बी में भी टू का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब ये तो कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि ये हो गया आपके रेशनल, बट हमें यहां लिखना है बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, अब ये कुछ लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, परंतु हमें ये फैक्ट पता है कि ए एंड बी जो है उन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर, हमें लिखना है इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, वन के अलावा, क्योंकि वन तो सबका है ना, वन के अलावा ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण हो रहा है, ये जो आ रहा है ना ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है हमारे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो भी हो रहा है, जो भी कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, हैज अराइजन, जो भी हमने गलती की है, हमने क्या गलती की है, इसको हमने पहले से ही स्टार्टिंग में रेशनल मान लिया था, ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हमने गलती से स्टार्टिंग के अंदर ही इसको हमने एज्यूम कर लिया था, क्या एज्यूम कर लिया था, एज्यूम दैट, हमने शुरुआत में ही एज्यूम कर लिया था कि रूट टू जो है ना वो क्या है आपके रेशनल है, हमने शुरुआत में इसको क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया था, रेशनल मानने के कारण ही आ रहा है, सो रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारी गलती के कारण रेशनल आ गया, जबकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ऐसे कुछ आपको चार पांच लाइनें लिखनी पड़ेगी, रख सकते हो क्वेश्चन को, टू है तो टू टू लिखो, थ्री है तो थ्री थ्री लिखो, ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल के लिए पहले हमें इसको मानना पड़ेगा ये रेशनल है, हमें यहां लिखना पड़ेगा लेट सिक्स माइनस सेवन रूट फाइव इज ए रेशनल, पहले हमें क्या करना है, इसको रेशनल मानना है, बाद में गलती स्वीकार करनी है कि हमने गलती से रेशनल मान लिया, ये क्या है, एक रेशनल मान लेते हैं, अगर ये रेशनल है तो इसको हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर b नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे हमें इसको लिखना है, अब देखो ये प्लस का है, इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, पहले हमें सिंपल नंबर को भेजना है, ये आएगा माइनस, माइनस का माइनस सेवन रूट फाइव, ये यहां लिखता है इसको माइनस सेवन अंडर रूट फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और ये प्लस का सिक्स है इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, आप चाहो तो यहां पर साइन चेंज कर सकते हो, अगर इसका आपने प्लस बना दिया तो यहां पर जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस में और प्लस का माइनस हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है, इसको एलसीएम ले लो, तो मैं यहां पर एलसीएम ले लेता हूं, बी आएगा एलसीएम में, तो सिक्स वन जा सिक्स बी माइनस ए का ए, क्योंकि ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, हमें यहां लिखना है रूट फाइव इजिकल टू सिक्स बी माइनस ए अपॉन बी, इसको लेते हैं हम इक्वेशन नंबर वन, हमें यहां तक लिखना है, इसके बाद हमें कुछ लाइनें लिखनी है, इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ लाइनों का यूज लेना है, यहां तक लिखने के बाद सिंपल है उधर भेजेंगे, फिर एलसीएम वगैरह लेना है, यहां तक लेने के बाद हमें कुछ लाइनों का प्रयोग करना है, और लाइन हम क्या लिखने वाले हैं, मैं यहां लिख देता हूं लाइन, सिंस ये सब नंबर, और देखो ये मल्टीपल का डिवाइड में जाएगा इधर, अब ये इधर ऐसे, ये ना सेवन डिवाइड में गया,
हमें यहाँ पर जो नंबर है उनको लिखना है। क्या लिखोगे यहाँ पर आप? ए बी सिक्स एंड सेवन ऑल आर इंटीजर। ये सब के सब जो है ना वो क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब इंटीजर से जो चीज हमें मिली है वी गेट दिस नंबर 6b माइनस a अपॉन 7b इज रेशनल। क्योंकि जो भी इंटीजर है, इंटीजर से जो भी नंबर बनता है वो नंबर क्या होता है? रेशनल। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, अगर ये नंबर रेशनल है, यहां पर बीच में इक्वल का साइन है, अगर ये नंबर रेशनल है तो ये नंबर भी क्या कहलाएगा? रेशनल। सो ये क्या नाम है, रूट फाइव इज क्या हो जाएगा आपके? रेशनल हो जाएगा। क्योंकि अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। ये लाइनें आपको जरूर लिखनी है, इन लाइनों का ध्यान रखना भी। अगर ये रेशनल, ये क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन है बीच में, ये रेशनल, तो ये भी क्या हो गया अभी आपके? रेशनल हो गया। बट दिस क्वांटिटी हमें पता है हमें यहां पर क्या लिखना है? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, परंतु हमें फैक्ट पता है। क्या फैक्ट पता है? कि जो रूट फाइव है ना वो इरेशनल है। रूट फाइव जो है ना वो क्या है? इज इरेशनल। ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब रेशनल क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन लाइनें लिखनी पड़ेगी भैया आप, हैज अराइजन। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमने गलती से एजम्पशन इज रूट फाइव इज रेशनल, इसकी जगह आप पूरा नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो है ना ये नंबर हमने लिया था, ये वाला सिक्स रूट सेवन, ऐसा लिख सकते हो। मतलब हमें यहाँ पर लिखना है कि इसकी जगह आप लिख देना सिक्स माइनस सेवन रूट फाइव। हमने गलती से इस नंबर को क्या मान लिया था? रेशनल, इसीलिए रेशनल आ रहा है। तो सिक्स माइनस सेवन रूट फाइव इज इरेशनल। इसका मतलब ये क्या है? रेशनल नहीं, ये क्या है? इरेशनल है। ये हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण रेशनल आ गया था, बट ये क्या है आपके? इरेशनल नंबर है। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक सर्कुलर पाथ है, मतलब ऐसा एक गोल राउंड है, यहां पर दौड़ना है। सोनिया जो है ना एक चक्कर लगाने में, एक राउंड करने में कितना टाइम लगता है इसको? एक राउंड चारों ओर घूमना है कितना टाइम लगता है? 18 मिनट लगता है। और जो रवि जो है वो एक राउंड जो है ना वो 12 मिनट में कर लेता है, इधर घूम के आना है। अब दोनों एक ही साइड में सेम डायरेक्शन सेम टाइम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो वापस दोनों एक जगह कब मिलेंगे? इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा एचसीएफ। हमारे पास जो नंबर है इनका हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। 18 का मतलब क्या होता है? तो 18 का मतलब होता है टुकड़े करेंगे, 2 का डिवाइड जाएगा 9, फिर 3 का करेंगे 3, फिर 3 का करेंगे 1। 18 का मतलब होता है 2 आएगा 1 टाइम और 3 आएगा 2 टाइम। और 12 का मतलब होता है 2 आएगा 2 टाइम और 3 आएगा आपके 1 टाइम। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। एचसीएफ काम नहीं आएगा भैया, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। जब भी ऐसा कोई राउंड है आपको दौड़ना है, सेम साइड में दौड़ना है, वापस यहीं पर मिलना है। अगर इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 6 ही आएगा, 6 में तो दोनों यहां तक ही पहुंचेंगे, यहीं पर वापस आना है, यहीं पर मिलना है ऐसे घूमकर।
लगभग 18 मिनट तो सोनिया को ही लग रहे हैं, एचसीएफ काम नहीं आएगा, हमें यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। कितना आएगा? 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। 2 में भी मैक्सिमम पावर लेना है और 3 में भी मैक्सिमम पावर लेना है। ये आने वाला है 4, ये आने वाला है 9, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 36, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास दो नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ ये आया, ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो ये है। अगर इन दोनों का एचसीएफ ये है तो बताना है कि एम का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो इसने दिया है एचसीएफ, अब हम फाइंड करेंगे कि एक्चुअल में एचसीएफ ये है या नहीं है। हमें क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं अभी, तो करो टुकड़े। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर ये 408 के टुकड़े करते हैं, 2 का डिवाइड करेंगे 204, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 102, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 51, 3 का डिवाइड करेंगे 17 का डिवाइड करेंगे तो 1। अब आता है 1032 का करना है, 2 का डिवाइड करो 516, फिर 2 का डिवाइड करो तो 2 का डिवाइड जाता है आपके 25, फिर 1 बचेगा तो 8 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम 29 टाइम, 3 का डिवाइड करेंगे 43 टाइम, 43 करेंगे तो 1। तो हमने इसके जब टुकड़े किए तो ये आया भी आपके 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 17। इधर से लेंगे तो 2 आया है आपके 3 टाइम, 3 आया है आपके 1 टाइम एंड 43 आया है। अब हमें इनका क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ये एचसीएफ तो दे रखा है लेकिन हमारी तरफ से एचसीएफ क्या होता है ये बताना, ये आपको रफली करना है। एचसीएफ क्या होगा, ऐसा नंबर जो इधर भी है और इधर भी है वो है 2 एंड 3, इसमें भी पावर 3 है इसमें पावर 1 है, तो ये आएगा पावर 3 और ये पावर 1। सॉल्व करने पर एचसीएफ आपके आने वाला है 24, ये हमने निकाला और ये इसने दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हमारे वाले एचसीएफ को यहाँ लिखकर एम का वैल्यू फाइंड करेंगे। एचसीएफ हमारा है 24, ये है आपका 1032, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आता है 2040। अब नंबर एक तरफ, यहाँ पर एम है इसका भी ध्यान रखना भाई, नंबर एक तरफ ये माइनस का है, इधर भेज दो प्लस हो जाएगा और इधर बचेगा आपके 1032 एम। इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये आता है 2064 और इधर आता है आपके 1032 एम। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में तो हमें यहाँ पर एम मिल जाएगा, एम का जो वैल्यू है वो होने वाला है 2064/1032। डिवाइड करेंगे देखो, इसका डबल है पूरा, ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, पूरा डबल मतलब 2 आने वाला है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन देर का है, हमें एचसीएफ एलसीएम फाइंड भी करना है साथ में हमें वेरीफाई भी करना है। यहाँ पर नंबर हमारे पास दे रखा है 510, टुकड़े करेंगे इसके, 2 का डिवाइड जाएगा 255, फिर 3 का डिवाइड जाएगा 8 टाइम और 1 बच गया तो 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 17, फिर 17 का डिवाइड करेंगे तो 1। 92 का मतलब होता है 2 का डिवाइड करेंगे 46, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 23, फिर 23 का करेंगे तो 1। अब यहाँ पर इसका मतलब हुआ 2, ये सब 1-1 टाइम है, 2 × 3 × 5 × 17, इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है 2^2 × 23। अब हमें क्या करना है, ये तो रफली काम है, अब हमें एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। पहले लेते हैं एचसीएफ, एचसीएफ मतलब होता है कॉमन नंबर, तो इधर भी आएगा इधर भी आएगा, 2 इधर भी है 2 इधर भी है और मिनिमम पावर लेना है, 2 आएगा इसका एचसीएफ। एक ही नंबर कॉमन आ रहा है और कोई पावर भी नहीं। अब लेते हैं हम एलसीएम, एलसीएम में सारे नंबर आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा,
फाइव भी आएगा, सेवनटीन भी आएगा और 23 भी आएगा, इसमें मैक्सिमम पावर भी आएगी। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 जा होता है आपके 60, 16 इंटू 17 होता है आपके 1020 इंटू 23। मैंने इन सबको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है आपके कितना, 04623, ये आने वाला है आपके एलसीएम। अब हमें करना है वेरीफाई करना है। अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला है भाई आपके फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजिकल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर अगर वेरीफाई करना है तो पहले हमें इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और एक है भाई आपके राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके आता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और राइट हैंड साइड में आता है आपके एच सी एफ इंटू एल सी एम। कॉल करते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये दो नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करेंगे तो ये आने वाला है 46920। एच सी एफ एल सी एम करेंगे तो ये तो है एच सी एफ और ये रहा एल सी एम, 2 × 23 460 डबल कर दो, यही आने वाला है। जो इधर है वो इधर आया है, तो आपको यहाँ पर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया आपके राइट हैंड साइड के, बस ऐसे आपको वेरीफाई करना है और आपको इनको एच सी एफ एल सी एम फाइंड करना है। हमें चेक करना है कि ये नंबर जीरो पर एंड होता है या फिर नहीं होता है। देखो इसमें एंड जो है ना वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब होता है 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 ऐसा। इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो लास्ट डिजिट है क्या वो जीरो आएगा या नहीं आएगा हमें बताना। तो सिंपल है कि जीरो तभी आता है जब जीरो होता है, जीरो है तो जीरो आएगा, और जीरो बनता है 2 और 5 से। हमने यहाँ पर लिखा हुआ 6 की पावर n, और 6 का मतलब होता है 2 × 3 की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। ये ना रफ में लिख देना भैया, हमें सिंपल सा लिखना है कि यहाँ पर 6 का मतलब होता है 2 × 3। हमें लिखना है कि 6 की पावर जो n है ना, इसका वैल्यू 2 × 5 की पावर n में नहीं है। सो 6 की पावर n नॉट एंड विथ जीरो, मतलब ये कभी भी जीरो पर एंड नहीं होगी, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 2 और 5 मिलकर ही आपके जीरो बनाता है। जैसे यहाँ पर मान लो 30 है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो होता है आपके 900, क्योंकि 30 के अंदर आता है 2 × 3 × 5, मतलब 2 और 5 आना जरूरी है। 2 और 5 आएगा तो जीरो बनेगा, जीरो का कितने भी पावर कर दो जीरो आ जाता है। तो जीरो का लास्ट डिजिट जीरो तभी आता है जब आपका जो क्वेश्चन है वो 2 × 5 की पावर में हो, तो नहीं है तो नॉट एंड विद जीरो होगा।